तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है और मेरे मार्ग का उजियाला है। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक है। पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 4 पद संख्या 13 से 21 तक। पेत्रुस और योहन का आत्मविश्वास देखकर और इन्हें अशिक्षित तथा अज्ञानी समझकर महासभा के सदस्य अचंभे में पड़ गए। फिर वे पहचान गए कि ये यीशु के साथ रह चुके हैं, किंतु स्वस्थ किए गए मनुष्य को इनके साथ खड़ा देखकर वे उत्तर में कुछ नहीं बोल सके। उन्होंने पेत्रुस और योहन को सभा से बाहर जाने का आदेश दिया और ये कहकर आपस में परामर्श किया, हम इन लोगों के साथ क्या करें। यरूशलेम में रहने वाले सब लोगों को ये मालूम हो गया कि इन्होंने एक अपूर्व चमत्कार दिखाया है, हम ये अस्वीकार नहीं कर सकते। फिर भी जनता में इसका और अधिक प्रचार ना हो, इसलिए हम इन्हें कड़ी चेतावनी दें कि अब से यीशु के नाम पर किसी से कुछ नहीं कहना। उन्होंने पेत्रुस तथा योहन को फिर बुला भेजा और उन्हें आदेश दिया कि वे ना तो जनता को संबोधित करें और ना यीशु का नाम लेकर शिक्षा दें। इस पर पेत्रुस और योहन ने उन्हें ये उत्तर दिया, आप लोग स्वयं निर्णय करें क्या ईश्वर की दृष्टि में ये उचित होगा कि हम ईश्वर की नहीं बल्कि आप लोगों की बात माने, क्योंकि हमने जो देखा और जो सुना है उनके विषय में नहीं बोलना हमारे लिए संभव नहीं। इस पर उन्होंने पेत्रुस और योहन को फिर धमकाने के बाद जाने दिया। वे नहीं समझ पा रहे थे कि उन्हें किस प्रकार दंड दिया जाए, क्योंकि उस घटना के कारण सारी जनता ईश्वर की स्तुति करती थी। ये प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ तूने मेरी प्रार्थना सुनी। मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ तूने मेरी प्रार्थना सुनी। प्रभु का धन्यवाद करो क्योंकि वह भला है, उसका प्रेम अनंत काल तक बना रहता है। तू ही मेरा बल है और मेरे गीत का विषय, उसी ने मेरा उद्धार किया है। धर्मियों के शिविरों में आनंद और विजय के गीत गाए जाते हैं। अनुवाक्य, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ तूने मेरी प्रार्थना सुनी। प्रभु के दाहिने हाथ ने अपना बल दिखाया है, उसके दाहिने हाथ ने मेरा उद्धार किया है। उसने मुझे बार बार दंड दिया है किंतु उसने मुझे सर्वनाश से बचा लिया है। अनुवाक्य, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ तूने मेरी प्रार्थना सुनी। मेरे लिए मंदिर के द्वार खोल दो, मैं उनमें प्रवेश कर प्रभु को धन्यवाद दूंगा। ये प्रभु का द्वार है जहाँ धर्मी प्रवेश करते हैं। मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ तूने मेरी प्रार्थना सुनी और मेरा उद्धार किया है। अनुवाक्य, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ तूने मेरी प्रार्थना सुनी। जय घोष, अलेलुया। अनुवाक्य, अलेलुया। ये प्रभु का ठहराया हुआ दिन है, हम आज प्रफुल्लित होकर आनंद मनाएं। अनुवाक्य, अलेलुया। संत मरकुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 9 से 15। यीशु सप्ताह के प्रथम दिन प्रांत जी उठे। वह पहले मरियम मगदलेना को, जिससे उन्होंने 7 अपदूतों को निकाला था, दिखाई दिए। उसने जाकर
उनके शोक मनाते और विलाप करते हुए अनुयायियों को यह समाचार सुनाया। किंतु जब उन्होंने यह सुना कि यीशु जीवित हैं और उसने उन्हें देखा है, तो उन्हें इस पर विश्वास नहीं हुआ। इसके बाद यीशु दूसरे वेश में उनमें से दो को, जो पैदल देहांत जा रहे थे, दिखाई दिए। उन्होंने लौटकर शेष शिष्यों को ये समाचार सुनाया, किंतु शिष्य ने उन दोनों पर भी विश्वास नहीं किया। बाद में यीशु ग्यारों को उनके भोजन करते समय दिखाई दिए और उन्होंने उनके अविश्वास और उनके हठ धर्म की निंदा की, क्योंकि उन्होंने उन लोगों पर विश्वास नहीं किया जिन्होंने यीशु को पुनर्जीवित देखा था। इसके बाद यीशु ने उनसे कहा, संसार के कोने कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। ख्रीस्त की जय।